हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फूडी टैंक। अर्ज किया है, सबको आता है पसंद, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या हो ग्रैंडफादर। निकल जाए ना सर्दियाँ, ले आओ बाजार से लाल लाल गाजर। तो जी हाँ, आज फूडी टैंक आपके लिए लेके आया है सर्दियों की मोहब्बत और हर किसी की बचपन की जुड़ी हुई यादों वाली एक शानदार रेसिपी, यानी कि गाजर का हलवा। आई एम श्योर आप सभी के घरों में सीजन में एक बार तो ये ज़रूर बनता होगा ढेर सारा, जिसे आप गर्म करके अपने तरीके से खाते होंगे। तो चलिए, आज हम अपनी मम्मी के हाथ के गाजर के हलवे की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धुल के उसके बाद मैंने इसे छील लिया था, और उसके बाद एक कद्दूकस की सहायता से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और आपको गाजर के लंबे लंबे मोटे मोटे लच्छे निकालने हैं, तो कद्दूकस का जो सबसे मोटा वाला हिस्सा हो ना, उसी साइड से गाजर को ग्रेट कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, बर्तन आप जो भी लें, मोटे तले का लें, हैवी बॉटम पैन जो जिसे कहते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी केसर, ये केसर के धागे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही मैं डालूंगी मैं 2 इलायची कूट के इस तरीके से। और अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, बस गैस को ऑन करना है, और इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर जो हमने ग्रेट करके रखी थी। आँच को आपको धीमे रखना है, ठीक है। इसी में मैं सारी गाजर ऐड कर देती हूँ इस तरीके से, और अब बस आगे बढ़ते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गाजर का हलवा हम बना रहे हैं, ये हलवाई स्टाइल नहीं, घर वाला बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो गाजर अगर आपने ली है तो इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, फुल क्रीम दूध ही इसमें ऐड कीजिएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपका बर्तन छोटा हो तो आप थोड़ी थोड़ा करके, जैसे थोड़ा दूध रिड्यूस हो जाए तो फिर बाकी दूध ऐड कर दीजिए, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूध हमारा ऐड हो चुका है गाजर के हलवे में, और अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है। अब बस हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो गाजर और दूध को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसा केसरिया सा कलर हो रहा है ना, इसमें केसर और गाजर दोनों ही अपना रंग छोड़ रहे हैं। और ये देखिए क्या सुंदर कलर आना शुरू हो गया दूध में। बस मैं इसे हल्का सा मिक्स कर दूंगी ताकि केसर इलायची सब अच्छे से मिक्स हो जाए, नीचे से लेके ऊपर तक चला के। और इसके बाद हम इसे ढककर ही पकाएंगे, कब तक, जब तक कि इसमें फर्स्ट बॉयल नहीं आ जाता। जी हाँ, तो चलिए इसको हम वापस से ऐसे ढक देते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ गाजर को पकते हुए, हमारे 5-7 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए इसमें फर्स्ट बॉयल आ चुका है। अब क्या करना, आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना ताकि दूध उबल के आपका बर्तन से बाहर ना आए। गैस तो हमारी सबसे सिम पे है, लेकिन हमें फिर भी इसे चलाते रहना, अगर हम छोड़ देंगे ना तो बॉयल दूध बाहर गिर जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाते रहिए और दूध को रिड्यूस करते रहिए। और जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे तरह तरह की वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी हैं, स्नैकिंग के लिए भी है, इवनिंग टाइम रेसिपीज़ हैं, लंच है, डिनर है, आपको सभी बेहतरीन रेसिपीज़ एग्जॉटिक सभी मिल जाएंगी। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप हमारी रेसिपीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये देखिए दूध हमारा किस तरीके से रिड्यूस हो चुका है, एकदम हाफ हो चुका है हमारा दूध। और इस स्टेज पे अब हमें इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, इसको लगातार चलाते रहना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है मुझे पता है, लेकिन मेहनत का फल, जैसा कि फूडी टैंक हमेशा बोलता है, टेस्टी ही होता है। और जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है, हम साइड में थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, आप चाहें तो एक छोटी कढ़ाई या तड़का पैन जो भी हो वो ले लें, और उस पर मैं ऐड करूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी। जी हाँ, अब हलवा बन रहा है, घर वाला हलवा बन रहा है, थोड़ा तो देसी घी डालिएगा ना स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए, तो हलवे में देसी घी ना जाए तो क्या बात है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी का ऐड किया है। और वो हलवा ही क्या जिसमें देसी घी ना हो, तो उसमें कंजूसी हम नहीं करेंगे इस रेसिपी में। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए, जिन्हें मैंने मिक्स करके छोटा छोटा काट लिया है। तो अब इस काजू बादाम को भी हम इस घी में ऐड करेंगे, और अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसे रोस्ट करना है, अच्छी तरीके से भूनना है घी के साथ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भुन रहा है,
और आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। यहाँ पे मैंने काऊ घी का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास घर का बना हुआ घी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और इसमें ज़्यादा कलर मत लेके आइएगा, जैसे ही आपके काजू की ब्राउनिंग शुरू हो वैसे ही आप गैस को ऑफ कर लीजिए और इसे स्टोव में से हटा लीजिए, क्योंकि काजू जो हमारा होता है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं और आपको यहाँ पे मैं हलवा दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप इसे बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसको भूनना है। तो बस अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए ना वो ड्राई फ्रूट्स और घी पूरा का पूरा हम इस हलवे में डाल देंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो गाजर है वो पक रही थी, उबल रही थी दूध में, और अब क्या होगा, अब इसकी भुनाई शुरू होगी। तो ये देखिए मैंने सारा घी इसमें डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और अब इसे हम मिक्स करेंगे और चलाएंगे। और अब यहाँ पे ना आपकी मेहनत थोड़ी सी लगेगी क्योंकि अब गाजर को हमें भूनना है। तो बस इसे इस तरीके से चलाते रहिए और क्या खुशबू आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ, आपका पूरा घर महक रहा होगा, यकीन मानिए पड़ोसी भी आके पूछेगा क्या बना रहे हो आप। और इसकी खुशबू सर में चढ़ी तो एक शेर याद आया है, अर्ज किया है कि जगह जगह पे फैलेगा आपके हाथों का जलवा जब आप घर पे बनाएंगी देसी घी वाला गाजर का हलवा। तो ये देखिए गाजर की बुनाई हमारी कितनी अच्छी तरीके से हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गाजर ने घी को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि बुनाई हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से एक बार और चला लेते हैं और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसको स्क्रेप करने की ज़रूरत पड़े। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से तले को भी गाजर ने छोड़ दिया है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा गाजर। और ये देखिए कितनी रंगत निखर के आई है। तो अब बस अब इसमें बारी आती है मिठास ऐड करने की। तो यहाँ पे एक किलो गाजर में आप 100 से 150 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने करीब 150 ग्राम चीनी ली है जिसे मैं ऐड कर रही हूँ और अब इसे हम मिक्स करेंगे। अभी क्या होगा, अब चीनी थोड़ी सी पिघलेगी तो आपका हलवा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत करें, जैसे ही चीनी पक जाएगी और वो वापस से गाढ़ी होगी ना तो हलवा अपना शेप वापस से होल्ड कर लेगा। तो बस अब इसे यहाँ पे चलाते रहिए इस तरीके से और चीनी को पिघलाइए और पकाइए। ये देखिए कितना एकदम ढीला ढीला, मैंने कहा था ना आपको हलवा हो जाएगा पतला सा। तो बस इसका मतलब ये है कि चीनी पिघल के अब पकने लगी है। ये जो गाजर का हलवा है ये मेरी मम्मी बनाती थी, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और बहुत ही स्वाद लगेगा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। लेकिन गाजर का हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक इंस्टेंट गाजर का हलवा भी बनता है, बिना चीनी का गाजर का हलवा भी बनता है, और गाजर का एक हलवे का एक हेल्दी वर्जन भी बनता है जिसमें कम घी पड़ता है। तो अगर आपको वो रेसिपीज़ भी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप अपनी डिमांड अपनी मांग हमें प्रस्तुत करें, उसे फुलफिल करना उसे कम्प्लीट करना फूडी टैंक का धर्म है। तो बस हमारा हलवा बनके तैयार है, अब इसमें हम देंगे फाइनल टच। तो यहाँ पे मैंने एक इलायची को कूट के इलायची पाउडर एंड में ऐड किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस एक्स्ट्रा खुशबू के लिए, और उसे भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। और ये देखिए हलवा गाढ़ा हो रहा है ना जैसे मैंने आपको कहा था, और ये देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है हमारा हलवा। ये आप किसी को भी खिलाएंगे ना उसको बहुत ही स्वाद लगने वाला है, और इतना घी डाला है ना हमने कि एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो चलिए इसको अब हम जल्दी से मिक्स करके सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताने वाली हूँ गाजर का हलवा खाने का, जैसे मैं गाजर का हलवा खाया करती थी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम की थोड़ी सी शेविंग्स पतली पतली काट ली थी, तो वो हम इसे ऊपर से ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए दोनों में ऐड कर दिया है और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे हम खाते थे। तो मम्मी पता है क्या करती थी, जब हम छोटे थे इस तरीके से कटोरी में हमें हलवा देती थी और उसके ऊपर से डालती थी दूध की मलाई। हाँ जी, जो आप दूध बॉयल करते हो और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है, बस वही हमें इसके ऊपर ऐड करनी है इस तरीके से। और आप एक बार इस तरीके से हलवा ज़रूर खा के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, इस चीज़ की गारंटी फूडी टैंक ज़रूर लेता है। तो चलिए हम तो चले गर्मा गर्म हलवा इंजॉय करने और मम्मी के हाथ के स्वाद को चेरिश करने। और आप भी एक बार इस तरह से हलवा ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं। और जाने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज और भी लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।